Boiling is constantly fine there. Boiling.
In this case, the liquid of the body is actually stagnant.
तो फ्लूइड वाली में क्या है, फ्लूइड वाली में देखिए ये जो लिक्विड होता है ब्लड सरफेस के ऊपर अबव वो इवेंचुअली क्या होता है, स्टैग्नेंट, मतलब कि इसके कहीं ना कहीं पैदा होता है ब्लड सरफेस के ऊपर जो लिक्विड होता है फ्लूइड वाली में वो क्या होता है, स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट मतलब स्टेबल होता है और उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं होती, गहरा होता होता है। जैसे तालाब का पानी क्या होता है, इसलिए बढ़ता है एंड इट्स मोशन भी एक्ट कर सकते हैं एंड इट्स मोशन ठीक एंड इट्स मोशन का मतलब किसका मोशन, लिक्विड का, किसका मोशन, इट्स किसके लिए यूज किया गया है अपना लिक्विड का मोशन सक्सेस के नजदीक जो होगा, जब पैदा हुआ है रिश्ते का तो बहुत ज्यादा तो मोशन होगा नहीं, लगभग स्टेबल होगा ठीक, तो क्या है स्टेबल होगा, स्टैग्नेंट में हो रिश्ते का या पैदा हो जाता है एंड इट्स मोशन नहीं है ड्यू टू सक्सेस के पास लिक्विड का जो मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा, स्प्रिंग कन्वेक्शन की वजह से, किसकी वजह से होगा, स्प्रिंग कन्वेक्शन की वजह से एंड मिक्सिंग इंड्यूस बाय बबल फ्लो, बबल जो बनेगा बड़ा होगा उसका जो मिक्सिंग होगा उससे और स्प्रिंग कन्वेक्शन से आपका क्या होगा, मोशन होगा लिक्विड का कहां पे, इसके नजदीक सरफेस के नजदीक ठीक, इसके अलावा क्या होगा एंड डिटैचमेंट ठीक, जो मोशन होगा सरफेस के नजदीक में वो क्या होगा, स्प्रिंग कन्वेक्शन की वजह से होगा एंड मिक्सिंग इंड्यूस बाय बबल फ्लो ठीक, जो मिक्सिंग इंड्यूस होगी बबल फ्लो की वजह से उसकी वजह से मोशन होगा एंड डिटैचमेंट, डिटैचमेंट की वजह से भी होगा, डिटैचमेंट का मतलब है टुकड़े या दस्ता, वाले क्या होगा, स्प्रिंग वाले होगा जहां पे नेचुरल कन्वेक्शन क्या होगा इन्वॉल्व, जहां पे नेचुरल कन्वेक्शन इन्वॉल्व होगा वहां पे जिस नेचुरल कन्वेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है स्टीम बॉयलर में वहां पे आपका कूल बॉयलिंग होगा ठीक है। अब ये डायग्राम है कूल बॉयलिंग को बना लीजिए, एक कूल बॉयलिंग
liquid in the intake phase. Natural convention.
which big toilet is to be called here by digital connection, Konami will probably use Konami. Yeah. Thank you.